अगले क्रम में मैं काल भैरव वार्ड में स्थित श्रीमती नीलमा मेहता जो गृहिणी हैं और इन्हें मेहंदी लगाने नृत्य संगीत और डांडिया का शौक है को संवाद हेतु अनुरोध करता हूं। श्रीमती नीलमा बनी रहनी चाहिए। काल भैरव की गलियों से अपने साफ सुथरा तो दिख रहा है कि यार ये छोटी सी गली, लेकिन दिवाली की रौनक आई है नहीं आई है? सुनाई दे रहा है नीलामी जी? नीलमा जी आपको सुनाई दे रहा है? शायद नीलमा जी से संपर्क। चलिए कहीं और चलते हैं फिर आगे। अभी अगले क्रम में मैं चांदपुर महेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में श्री विपुल कुमार अग्रवाल जो वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं तथा कृषि संबंधी सामग्री का निर्माण करते हैं को समाधि तो आमंत्रित करता हूं। संगठित प्रयास करके कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी हम
श्री आश्रम सहकारी समिति लिमिटेड जो की उद्योग विभाग एवं उद्यमियों के सहयोग से बनी है और लगातार स्वच्छता पर ध्यान देती है। वृक्षारोपण हमारे यहाँ मैं समझता हूँ नोएडा के बाद दूसरी स्थिति होगी जो कि जिस प्रकार का हमारे यहाँ वृक्षारोपण हुआ है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। ये कमी जो थी वो आपके द्वारा पूरी हो रही है। कोरोना काल में भी हमें लॉक इन के पश्चात भी कई प्रकार की समय की प्रतिबद्धता थी, परंतु हमारी यूनिट चलने में स्थानीय प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, हमें ऑनलाइन क्लासेस हो गए, इस कारण से हमारे उद्योग चलते रहे। एक घटनाएं आ रही थी कि हमारा टर्नओवर कैश फ्लो या लेन देन एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो गया था, किसी के पास पैसा देने के लिए नहीं रह गया था, इस कारण से हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे थे। हम कच्चा माल परचेज नहीं करने की स्थिति में थे, परंतु जब आपकी स्कीम सीसी लिमिट्स को बढ़ाने की आई तो उसने संजीवनी का कार्य किया और एक तरह से जो जाम पहिया था वो पहिया एक बार चालू हो गया, तो उसके बाद से आप स्थिति इस प्रकार के एकदम सामान्य स्थिति में आ गए हैं और कार्यक्रम उसी प्रकार से अब चालू चल रहे हैं। अब कोरोना का कोई डर है कुछ नहीं है, पर तुम्हें मास्क और सैनिटाइजेशन जो भी आप हमें निर्देश दिए है उसका पूरा पूरा पालन करते हैं, क्योंकि हम आपको वाराणसी का अभिभावक मानते हैं, आप जैसा निर्देश देते हैं वैसा पालन करते हैं। आप लोगों ने प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए वाराणसी के लिए बहुत किया है, अब हमारी बारी है और हम कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भरता के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं विदेशों से भी निर्भरता समाप्त करके दिवाली पर हम कम आकर्षक झालर इस्तेमाल करेंगे परंतु विदेशी झालर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा काशी में 3-4 वर्षों से विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास चल रहा है, इस बार और पुरजोर से ये कार्यक्रम चलेगा। निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए भूपेन जी, आपकी बातें सुनकर के बहुत अच्छा लगा और मैं तो नया अभिभावक हो सकता हूँ। काशी का हर बेटा बेटी काशी के सच्चे अभिभावक है। आज काशी जो भी है काशी वासियों के कारण है। मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसी पवित्र नगरी में आप लोगों के बीच कुछ न कुछ काम करने का अवसर मिला, कुछ सीखने का अवसर मिला, तो मैं तो काशी का एक प्रकार से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फिर एक बार विपिन जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या निर्मा जी यहां फिर से कनेक्टिविटी हुई क्या? धन्यवाद। हाँ बताइए निर्मा जी। सर प्लीज निर्मा जी बताइए। मैं निर्मा मेहता वाट जैसे काल पैनल की तरफ से आपको प्रणाम जैसे कृष्णा करते हैं। ये गली तो बड़ी साफ सुथरी आती है।
और ये जो चौके बिछे हैं वो एक तो बनारस गलियों का शहर है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ चूहे ये मतलब अपना काम पूरा करते हैं। तो ये जो चौके बिछे हुए हैं वे पूरे सरमेंटेड होने के बाद इसमें चौका बिछे हैं, जो कि मतलब देखने में आप देख ही रहे हैं कि ये हो चुके हैं ना, इतने सुंदर है, मन तो ऐसा करता है घर के गली के बाहर निकल के झाड़ू को लगा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए मेरी काशीवासियों के साथ आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर धन्यवाद, मुझे भी कहना है कि आपके मार्गदर्शन से और ये प्रोजेक्ट पे जो टीम वर्क काम कर रही है और मेरे सभासद के बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मतलब एटलीस्ट वो मेरे मोहल्ले में आते थे तो मेरी परेशानी मतलब मेरी पर्टिकुलर नहीं मेरे मोहल्लों की जो लोगों की परेशानी थी एटलीस्ट वो सुनते और उस पे एक ही दो दिन में वो तुरंत वर्क करते। इसलिए मैं काशीवासी की तरफ से पूरे वार्ड 85 की तरफ से मैं आपको धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। मैं अत्यंत आदरपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। अभी आप सभी साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, क्या मुझे अच्छा लगा और शहर में विकास के जो काम हो रहे हैं, जो निर्णय सरकार ने लिए हैं, उनका लाभ बनारस के लोगों को भी हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे बाबा विश्वनाथ का ही आशीर्वाद है। और इसलिए जब मैं आज भले वर्चुअली यहां आया हूं, लेकिन जो हमारे काशी की परंपरा है उस परंपरा को निभाए बिना ना हम आगे जा सकते हैं। और इसलिए अभी जो भी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हम सभी एक साथ बोलेंगे
संस्कृति भी और सड़क बिजली पानी भी। हरदम प्रयास यही होला कि आपन काशी के हर शख्स के भावनाओं के अनुरूप ही विकास का पहिया आगे बढ़े। इसलिए ये विकास आज अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि बनारस कैसे एक साथ हर क्षेत्र में हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए हैं। आज गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही शाही नाला से अतिरिक्त सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए डायवर्जन लाइन का शिलान्यास भी कर दिया गया है। 35 करोड़ से अधिक की लागत से खिड़किया घाट को भी सजाया संवारा जा रहा है। यहां सीएनजी से नाव भी चलेगी जिससे गंगा में प्रदूषण भी कम होगा। इसी तरह दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा भी आने वाले दिनों में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे घाट की सुंदरता भी बढ़ेगी, व्यवस्था भी बढ़ेगी, उनकी भी सुविधा और ग्राहक बढ़ेंगे। साथियों, मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है। धीरे धीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। कोरोना का प्रभाव कम होने पर जब पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी तो वो बनारस की और सुंदर छवि लेकर यहां से जाएंगे। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। आज जिस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का लोकार्पण किया गया है उससे सारनाथ की भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी। भाइयों और बहनों, काशी की एक बड़ी समस्या यहां लटकते हुए बिजली के तारों के जाल की रही है। आज काशी का बड़ा क्षेत्र बिजली के तारों के जाल से भी मुक्त हो रहा है। तारों को अंडरग्राउंड करने का एक और चरण आज पूरा हो चुका है। कैंट स्टेशन से लहुराबीर, भोजूबीर से महावीर मंदिर, कचहरी चौराहा से भोजूबीर तिराहा, ऐसे 7 रूट्स पर भी बिजली के तारों से अब छुटकारा मिल गया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट एलईडी लाइट से गलियों में रोशनी और सुंदरता भी फैलेगी। साथियों, बनारस की कनेक्टिविटी हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
काशी वासियों का और काशी आने वाले हर पर्यटक, हर श्रद्धालु का समय सड़क जाम में न व्यर्थ हो, इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। बनारस में आज एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ रही हैं। बाबतपुर से शहर को कनेक्ट करने वाली सड़क भी अब बनारस की नई पहचान बनी है। आज एयरपोर्ट पर दो पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, उसका लोकार्पण होने के बाद इन सुविधाओं को और विस्तार होगा। ये विस्तार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 6 वर्ष पहले, यानी आपने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया, उसके पहले बनारस में हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी। आज इससे 4 गुना यानी 48 फ्लाइट चलती हैं, 48 फ्लाइट्स। यानी बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख बनारस आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भाइयों और बहनों, बनारस में तैयार हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां रहने वाले और यहां आने वाले दोनों ही तरह के लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। एयरपोर्ट से जुड़ी कनेक्टिविटी के साथ साथ रिंग रोड हो, महमूरगंज मन्नूवाड़ी फ्लाई ओवर हो, NH 56 का चौड़ीकरण हो, बनारस आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कायाकल्प होते देख रहा है। शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में भी सड़कों की तस्वीर बदली है। आज भी वाराणसी के अलग अलग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण कार्यों का काम शुरू हुआ है। नेशनल हाईवे फुलवरिया लहरतारा मार्ग, वरुणा नदी और 3 पुल और कई सड़कों का निर्माण, ऐसे कितने ही काम हैं जो आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। रोडवेज के इस नेटवर्क के साथ साथ बनारस अब वाटरवेज की कनेक्टिविटी में भी एक मॉडल बन रहा है। हमारे बनारस में आज देश का पहला इनलैंड वाटरपोर्ट बन चुका है। भाई और बहनों, बीते 6 सालों से बनारस में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है, और मैं कह सकता हूं अभूतपूर्व काम हुआ है। आज काशी यूपी ही नहीं बल्कि एक तरह से पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनता जा रहा है। आज रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मॉडर्नाइजेशन से जुड़े कामों के लोकार्पण से काशी की इस भूमिका का विस्तार हुआ है। रामनगर के अस्पताल में अब मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज, व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन काउंटर और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और पंडित महामना मालवीय कैंसर हॉस्पिटल जैसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट यहां पहले से ही सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह ESICC अस्पताल और BHU सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी यहां गरीब से गरीब साथियों को, गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। साथियों, बनारस में आज जो ये चौतरफा विकास हो रहा है, हर सेक्टर में विकास हो रहा है, उसका पूर्वांचल सहित पूरे पूर्वी भारत को लाभ हो रहा है।
अब पूर्वांचल के लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए दिल्ली और मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बनारस और पूर्वांचल के किसानों के लिए तो स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की अनेक सुविधाएं बीते सालों में यहां तैयार की गई है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का सेंटर हो, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हो, पेरिशेबल कार्गो सेंटर का निर्माण हो, ऐसी अनेक सुविधाओं से यहां के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि इस साल पहली बार वाराणसी क्षेत्र से फल, सब्जी और धान को विदेश के लिए निर्यात किया गया है। किसानों के लिए बनी स्टोरेज सुविधाओं को विस्तार देते हुए आज कपसेठी में 100 मेट्रिक टन स्टोरेज क्षमता वाले गोदाम का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा जनसा में भी मल्टीपर्पज बीज गोदाम और डिसेमिनेशन सेंटर बनाया गया है। भाइयों और बहनों, गांव, गरीब और किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के सबसे बड़े स्तंभ भी हैं और सबसे बड़े लाभार्थी भी है। हाल में जो कृषि सुधार हुए हैं उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। बाजार से उनकी सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने वाली है। किसानों के नाम पर किसानों की मेहनत को हड़प जाने वाले बिचौलियों और दलालों को अब सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के, बनारस के हर किसान को होने वाला है। साथियों, किसान की तरह ही रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वाले साथियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों को आसान लोन मिल रहा है। कोरोना के कारण इनको जो दिक्कतें आई वो दूर हो सके, उनका काम फिर से शुरू हो सके, इसके लिए उन्हें 10,000 रुपये की लोन सहायता दी जा रही है। इसी तरह गांव में रहने वाले लोगों को गांव की जमीन, गांव के घर का कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। गांवों में घर मकान को लेकर जो विवाद होते थे, कभी कभी तो मारकाट हो जाती थी, कभी अगर गांव से शादी ब्याह में गए वापस आते थे तो कोई और कब्जा कर लेता था, इन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए ये स्वामित्व योजना से, इस योजना से मिले प्रॉपर्टी कार्ड के बाद इस प्रकार की मुसीबतों की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अब गांव के घर या जमीन पर ये प्रॉपर्टी कार्ड आपके पास होने के कारण बैंक से ऋण मिलना भी आसान हो जाएगा। साथ ही जमीन पर अवैध कब्जेदारी का खेल भी खत्म हो जाएगा। पूर्वांचल को, बनारस को इन योजनाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, अर्थात काशी को काशी ही प्रकाशित करती है और काशी सभी को प्रकाशित करती है। इसलिए
आज विकास का जो प्रकाश फैल रहा है, जो बदलाव हो रहा है, ये सब काशी और काशीवासियों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। काशी के आशीर्वाद से ही साक्षात महादेव का आशीर्वाद है, और जब महादेव का आशीर्वाद है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। मुझे विश्वास है कि काशी के आशीर्वाद से विकास की ये गंगा ऐसे ही कल कल करती रहेगी, अविरल बहती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया द्वीज की हार्दिक बधाई। और मेरा आपसे एक आग्रह और भी है, आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही। जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। इसलिए मैं देशवासियों को दिवाली की पूर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकल के लिए आग्रही बने, हर कोई वोकल बने लोकल के लिए, दिवाली बनाएं लोकल के साथ। आप देखिए पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई चेतना आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। वो चीजें जिसमें मेरे देशवासी के पसीने की महक हो, जो चीजें मेरे देश के नौजवानों की बुद्धि शक्ति का परिचायक हो, वो चीजें जो मेरे देश के अनेक परिवारों को नए उमंग और उत्साह के साथ नए संकल्प लेकर के अपने कार्य का विस्तार करने की ताकत देती है, उन सब के लिए एक हिंदुस्तानी के नाते मेरे देशवासियों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है। मेरे देश की हर चीज के लिए मेरा कमिटमेंट बनता है। आइए इसी भावना के साथ लोकल के लिए वोकल बने, दिवाली लोकल से मनाएं। और सिर्फ दिए नहीं, वरना कुछ लोगों को तो लगता है लोकल मतलब दिया ले लो, नहीं भाई, हर चीज, हर चीज, कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुल हमारे देश में बनना संभव ही नहीं है, हम जरूर बाहर से लेना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके घर में बाहर से कोई चीज पहले लाई हुई है उसको फेंक दो, गंगा जी में बहा दो, जी नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता। मैं इतना ही चाहता हूं, मेरे देश के लोग जो पसीना बहा रहे हैं, मेरे देश के नौजवान जो अपनी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से कुछ न कुछ नए करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ना हम सबका दायित्व बनता है, उनका हाथ पकड़ना हम सबका दायित्व बनता है, उनकी चीजें लेते हैं उनका हौसला बुलंद हो जाता है। आप देखिए, देखते ही देखते विश्वास से भरा हुआ एक नया
पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा जो हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नई शक्ति के रूप में जुड़ जाएगा। और इसलिए मैं आज फिर से एक बार मेरे काशीवासियों से जब बात कर रहा हूं तब दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ काशी से जब मैंने मांगा जो मांगा काशी ने जी भर करके मुझे दिया है, खुले मन से दिया है। लेकिन मैंने मेरे लिए न कभी मांगा है न मुझे कुछ जरूरत रहे ऐसा आपने कुछ बाकी ही नहीं रखा है। लेकिन मैं काशी के हर प्रोडक्ट के लिए, काशी में निर्माण होने वाली हर चीज के लिए गीत गाता हूं, गौरव करता हूं, घर घर बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरे देश की हर चीज को यह मौका मिले यही मेरा आग्रह है। फिर एक बार मैं काशीवासियों को नमन करते हुए, काशी विश्वनाथ जी के चरणों में सर झुकाते हुए, काल भैरव को नमन करते हुए, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए आप सबको आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अपने अत्यंत प्रेरणादायी आशीर्वचन से हमारा मार्गदर्शन किया तथा इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर काशीवासियों सहित सभी का उत्साहवर्धन किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त महानुभावों, काशीवासियों व आयोजन में सहायक सभी जनों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद।